क्या शुभ नाम है आपका? सर अमन विस्ट। अमन, क्या हो गया था? सर फिस्टुला हुआ था मुझे, कब तो से हो गया था? अक्टूबर अक्टूबर पिछले साल अक्टूबर में सबसे पहले पेरियनल एब्सेस हुआ था। तो उस टाइम मुझे 4-5 दिन तक मतलब पॉटी हुई नहीं थी, तो उस टाइम मुझे इतना पता नहीं था। के बाद तो पहले फिशर की भी प्रॉब्लम रहती थी थोड़ी बहुत, पॉटी में दर्द नहीं सर, ऐसा कभी आज तक कुछ नहीं। सडनली सीधा ही कॉन्स्टिपेशन हुआ और साथ के साथ फिस्टुला हो गया। जी सर, तो पहले तो मुझे 4-5 दिन तक कुछ पता नहीं चला कि मतलब ये कॉन्स्टिपेशन होता है क्या, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इनका। तो फिर मैं ऐसे ही वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, तो उन्होंने सीधे फिसर इन एनो लिख लिया और मुझे एक ट्यूब दे दी कि लगा लो। फिर मतलब उस टाइम मुझे सिर्फ फ्रेश होना था, मैं मतलब ये था कि मुझे दर्द होता था तो मेरा ये था कि एक बार स्टूल पास हो जाए तो मेरे को रिलैक्स हो जाएगा। उस टाइम पे पस नहीं बना था, उस टाइम पे पस नहीं था मतलब मुझे तो इतना। प्राइमरी फिर उस टाइम फिस्टुला नहीं था, उस टाइम पे फिशर या बवासीर समझ के उसका इलाज चल रहा था। जी सर, तो फिर सर फिर मतलब 4 दिन तक मेरे को पॉटी हुई नहीं। उसके बाद फिर मैं एक दूसरे हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ से उन्होंने चेक किया मुझे, तो उन्होंने बोला कि फोड़ा हो गया है, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मैं पेन में था ही, तो मैंने उसी टाइम वो करवा दिया। तो फिर दूसरे दिन मतलब मुझे पॉटी हो गई, तो मुझे रिलैक्स हो गया। बस निकलते रात काफ़ी आराम हो गया होगा, बुखार वगैरह भी हट गया होगा। हाँ, बाकी मुझे फिर नॉर्मल लगने लग गया। तो फिर उन्होंने उन्होंने बोला कि 1 महीना या 1.5 महीना मतलब इसको हील होने में लग जाएगा कि। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर एक्चुअली हुआ ये 10-15 दिन के बाद एक जगह से दूसरी जगह पे वो पैकेट जैसे बन गया, मतलब वो पस का पैकेट दूसरी साइड वो बन गया, साइड का पॉकेट बन गया। हाँ, तो उन्होंने वो सिर्फ इंजेक्शन से उसको निकाल दिया, तो वो हील हो नहीं रहा था। फिर मैं उन पे चेकअप के लिए गया, उन्होंने कहा कि ये फिस्टुला बन गया भगंदर। तो फिर मैं ऐसे ही मैंने थोड़ा चेक किया नेट पे, तो किसी ने बोला कि आयुर्वेदिक में इसका ट्रीटमेंट है, ऐसे बोला था कि आयुर्वेद में ही इसका ट्रीटमेंट है, बाकी उसमें नहीं है। किसने ऐसे बोला? ये आयुर्वेदिक डॉक्टर पे गया था मैं, तो उन्होंने मेरे को ऐसे ही बोला था। आज मैं बोलता हूँ कि सिर्फ एलोपैथी में है, तो सिर्फ मान जाओगे कि सिर्फ एलोपैथी में, बाकी कोई इलाज नहीं कर सकता। सर उस टाइम इंसान मतलब जो सही बोले हम समझ वही, ठीक है, मिसगाइड करते हैं लोग। तो फिर उन्होंने वही बोला कि छाड़ सूत्र होगा। तो फिर छाड़ सूत्र मैंने स्टार्ट कर दिया था जनवरी से, 2 महीने उसमें लगे थे मुझे, वो हील हुआ नहीं था, तो जनवरी 2 या 3 से मैंने स्टार्ट कर दिया था। चार सूत्र कितनी? 10 सर्जरी हुई थी, ज़्यादा हुई थी 4 सूत्र? सर मेरे 2 छेद थे, तो मतलब टोटल मेरे 15 या 16 लगे थे। 15 से 16? हाँ, बेहोश तो करके होता था, वैसे ही होता था? सॉरी, जाग के होता था कि बेहोश करके या सुन करके होता था? सर वैसे वो एक जेली लगाते थे 2% वाली, पर दर्द तो होता था, इंसान को पता चलता था, तड़पता था मैं। उस टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता था, मतलब एक्सट्रीम, जिसको मतलब उस टाइम बहुत गंदी हालत हो जाती थी, रात को भी मतलब 2 दिन तक वो एक्सट्रीम पेन होता था। तो उस टाइम मेरा वेट भी कम हो गया था, मतलब 8 से 10 किलो मेरा वेट चले गया था कम। कल जब आए थे हमारे पास तब काफ़ी वीक थे। हाँ, उस टाइम एज़ कम्पेयर टू आज के, उस टाइम बहुत वीक था। तो उसके बाद फिर मुझे मतलब मैंने उनको बोला भी कि मतलब MRI करा लो, क्योंकि वो हील नहीं हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि कुछ है, बट वो फिर भी बोल रहे थे कि नहीं नहीं सब कुछ सही है, ये वो सो हो जाएगा। 2 महीने फिर मैंने वेट किया। 16 बार जो चार सूत्र हुआ उसके बाद ठीक पस आने चालू थी कि बंद हो गई थी? सर पस मुझे एक्चुअली कभी आया नहीं, बट वो हील हो नहीं रहा था, हील नहीं हुआ था। जी सर, तो फिर मैं उन पे गया, वो MRI कर नहीं रहे थे, तो मैंने ज़बरदस्ती MRI किया। तो उसमें उन्होंने बोला कि एक जो उन्होंने ऑपरेट किया था वो 2 सेंटीमीटर बच रखा था, और एक ग्लूटियल रीजन में भी गया था मेरा। हाँ जी सर, तो फिर मैं मतलब एक और भैया आए थे, प्रदीप है उनका नाम, तो वो उन्होंने भी आपसे ही ट्रीटमेंट किया, मतलब उनका भी अभी कंप्लीट हुआ है सर। अच्छा, चल ही रहा होगा। हाँ, उस टाइम पे चल रहा था, 2 महीने वो मेरे से आगे थे, तो उन्होंने किया। तो फिर मैं मेरे को आपका मतलब जैसे YouTube पे लिखते हैं बेस्ट, वो उसमें तो आपका नाम आता नहीं है कि बेस्ट एडवर्टाइजमेंट आती होगी, एडवर्टाइजमेंट वो अलग अलग उसके आते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा है, तो फिर मैं YouTube पे वीडियो देखी, तो फिर मैं आ गया इधर। तो आपने बोला था मेरी ये 2 या 3 में हो जाएगी, तो फाइनली 3 में हो गई है मेरी। बट आपने एक और चीज़ बताई थी कि जो मेरे 2 वो होल थे उसमें से जो पहला मैं वो सोच रहा था कि ठीक हो गया, उसको आपने बोला था कि ये भी ठीक नहीं हुआ था, इसको भी आपने फिर से ऑपरेट किया। तो क्योंकि अंदर की जड़ जब तक ख़त्म नहीं होती, बाहर से मुंह भरने का ट्रिप को हम ख़त्म नहीं बोल सकते। जी सर, तो आपने में भी दिखा ही रहा था, तो उसको जी सर करा था।
आपने यही बोला था 6 to 8 o'clock मेरा पूरा अंदर से गल चुका था, आपने फिर से वो किया। अभी कैसा लग रहा है? सर अभी तो ठीक लग रहा है मुझे। कितने महीने हो गए सर? चार या पाँच महीने लगे होंगे मुझे। अभी बिल्कुल नॉर्मल है, वजन भी नॉर्मल आना शुरू हो गया। तो बढ़ गया अब तो, बढ़ गया मेरा। ठीक है, खाना पीना सब नॉर्मल शुरू है? हाँ सर। खाने में परहेज रखना पड़ रहा है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बट स्पाइसी टू मच, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन और बहुत ज़्यादा मीठा। जी सर, इन जनरल सभी को अवॉइड करना चाहिए, इसलिए वो गाइड करता हूँ। जी सर, बाकी एज सच यू आर एज गुड एज नॉर्मल। जी सर। ठीक है, किसी को इसके बारे में जानकारी चाहिए हो, आपसे बात करना चाहता हो? हाँ सर, आपका नंबर शेयर कर सकते हैं? यस सर, 7467045354। पूरे ट्रीटमेंट में आपको दर्द वगैरह कैसा रहा? बहुत रहा कि मैनेजेबल था? सर एज़ कम्पेयर टू छाड़ सुतरा मतलब बहुत ही माइनर था, मतलब 4 to 5% बोल सकते हैं, वो भी 2 या 3 दिन होता है, उसके बाद मतलब रिलैक्स होने लग जाता है धीरे धीरे कम। हाँ मैंने मतलब इस बार प्रॉपर ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर इसमें मेन ये है कि मेंटली इंसान स्ट्रांग रहता है, जो ये वापट वाला है उसमें इंसान को हर हफ्ते जाना पड़ता है तो मेंटली परेशान रहता है। दो दिन टेंशन नहीं रहती कि अब होगा, कल दर्द होगा, ये होगा। दो दिन इवन ये तो थोड़ा बहुत तो जब हमारे भी सिटिंग चल रही होती है तो स्ट्रेस लेवल आता है पेशेंट में, इट इज़ नॉर्मल। तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे जस्ट हैव टू ओवरकम दैट। ठीक है, और खाने वाने का कोई परहेज तो है नहीं? और कोई चीज़ आप ठीक है किसी दूसरे पेशेंट को कुछ गाइड करना चाहते हो? जिस जिन चीज़ों से लोग मिसगाइड होते हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं, जो कौन से पॉइंट्स होते हैं जो आपको बार बार बोले जाते हैं नहीं ऐसा होगा? सर पहली बात तो मतलब आयुर्वेद का मुझे ऐसा लगता है कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं वो मतलब ऐसे नहीं बताते हैं कि आयुर्वेद में इसका इलाज है, वो इसका अपोजिट बताते हैं कि एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है, तो इंसान डर के फिर आयुर्वेद में ही कराता है। तो फिर वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ था, उन्होंने मेरे को इतना ट्रस्ट दिला दिया था कि एलोपैथी में इसका इलाज है ही नहीं, आयुर्वेद में नेगेटिव फेयर क्रिएट कर दिया था। ओके, तो फिर मतलब वही हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आजकल जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब लोग भी इंजेक्शन लगाते हैं, वो सब लोग भी मतलब एलोपैथी का यूज़ करते हैं आयुर्वेद में भी, पर वो उस चीज़ को डायरेक्ट वे में नहीं बोलते हैं। तो वही बोलना चाहता हूँ, मेरे को ये वाला ट्रीटमेंट काफ़ी सही लगा है, मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है। एक्जैक्टली, क्योंकि आप इस दरमियान ट्रीटमेंट के दरमियान चल फिर पा रहे थे, अपना काम कर पा रहे थे। ठीक है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ठीक है, अपनी जगह है वो, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं, बट हाँ उसका राइट पर्सन जो इसकी नॉलेज है वो करेगा तो कोई भी ट्रीटमेंट। एलोपैथी में भी यही है कि दिस डिजीज इज कॉम्प्लेक्स, लोग इसको बहुत ईजी समझते हैं एंड है नहीं ईजी। हर किसी को लगता है बस मैं ही इसको, और फिर तब बिगड़ता है, तब समझ नहीं आता क्या करना। सो इट हैज़ टू बी टेकन। दूसरा, पेन डिस्कम्फर्ट, जैसे अगर आपने चार सूत्र कराया हुआ था तो आपको 3 से 5% लगा या 4-5%? हाँ, मुझे 4 या 5% इतना आपको फील हुआ उसके कंपैरिजन में, पर जिसका पहले कभी नहीं हुआ उसको थोड़ा भी 100 लगेगा। तो नोबडी नो 2% आर सेम, बट इन जनरल मैं भी यही बोलता हूँ कि जो पहले अगर करा के आए हैं तो ये काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा प्रोसेस। बट अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, बट वट एवर इज़ मैनेजेबल। जैसे आप भी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अपना काम भी करते रहे, गाड़ी भी चलाते रहे, सो सेम थिंग विद हैपन विद द मोस्ट ऑफ पेशेंट्स, एक्सेप्ट वेरी फ्यू जो सीधे ही पहले ही हमारे पास आते हैं और डिजीज़ ज़्यादा होती है तो उनको डिस्कम्फर्ट होता है। दे हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। थोड़ा बहुत पेन, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग, ये सब नॉर्मल पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, सो डोंट पैनिक अबाउट इट। आपको भी थोड़ा बहुत पेन, ब्लड वगैरह तो नहीं आया था? नहीं सर, ऐसे कभी कुछ कुछ खास नहीं, थोड़ा बहुत आ जाता है, वो नॉर्मल होता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच सर।